तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एल एस मान किचन में। तो देखिए दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जिसको बहुत ही पसंद किया जाता है दोस्तों। सच में खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज मैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली जो रेसिपी जैसे बनाते हैं ढाबे वगैरह पे, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी की पूरी रेसिपी आपको समझ में आए। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के छोटे साइज के प्याज का यूज किया है, और 3 से 4 कलियां लहसुन की, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक यहाँ पे टमाटर का यूज किया है, और यहाँ पे 2 स्पाइसी वाली मैंने हरी मिर्ची ली है। तो ये सब इंग्रेडिएंट लिए हैं, अभी इनको चॉप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्याज को इस तरीके से मतलब रफली चॉप कर लेना है, क्योंकि ढाबा स्टाइल हम बनाने वाले हैं, तो ढाबे में बिल्कुल मतलब मिक्सी वगैरह का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन को भी कूट के मैंने यूज किया है बिल्कुल देसी तरीके से, और टमाटर है जो टमाटर मैंने आधा टमाटर का यूज किया, जो कि मैंने आपको दिखाया था, पूरा टमाटर नहीं डालना है, क्योंकि हम इसमें छाछ का यूज करने वाले हैं। जो छाछ जो ऑलरेडी खट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी खट्टी ना हो जाए कहीं, इसलिए मैंने आधे टमाटर का ही यूज किया है। और हरी मिर्ची को भी बिल्कुल इस तरीके से काट लेना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे छाछ की बारी आती है, तो लगभग आधा कप मैंने छाछ लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर छाछ आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी है तो छाछ मतलब कम यूज कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधा कप छाछ के अंदर आधा कप ही मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, और अच्छे से इनको मिक्स कर देना है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से। मिक्स करने के बाद यहाँ पे बेसन डालना है, तो लगभग मैंने 2 से 2.5 चम्मच यहाँ पे बेसन डाला है। चम्मच वही नॉर्मल चम्मच जो हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पे लिया है। तो लगभग 2 से 2.5 चम्मच यहाँ पे बेसन का मैंने यूज किया है, और अच्छे से बेसन को बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे मिला देना है दोस्तों, और ताकि तो कोई भी इसके अंदर मतलब गुठली या लम्स नहीं रहना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मिला देना है, ताकि बढ़िया से मतलब बेसन है जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पक पाए, बेसन कच्चा ना रहे। अगर गुठली रह गई तो बेसन है जो हमारा कच्चा रह जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये काम आपने पहले करना है ग्रेवी बनाने से पहले। तो पहले करने से ये होता है कि थोड़ी देर मतलब रेस्ट इनको मिल जाएगी, उससे क्या होगा कि बेसन और लस्सी आपस में बहुत ही बढ़िया से मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन के अंदर 2 बड़े साइज के यहाँ पे मैंने तेल का यूज किया है, 2 बड़े साइज के चम्मच तेल का, और आप चाहो तो देसी घी में भी बना सकते हो, मैं सिंपल रिफाइंड में बना रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले और जीरा मैंने डाला है, और इनको डालने के बाद यहाँ पे प्याज डाल देने हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़े से ही खड़े मसाले यूज किए हैं, बहुत ज़्यादा खड़े मसाले इसमें नहीं डालने हैं, ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आना चाहिए, हमें कड़ी का ही फ्लेवर चाहिए, मसालों का नहीं चाहिए, इसलिए थोड़े थोड़े हमने जो खड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्याज को बहुत ही बढ़िया से भून लेना है, लगभग कलर चेंज आने तक अभी हम प्याज को भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्याज अभी रंग बदलना शुरू हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है कि इसमें कूटी हुई अदरक लहसुन डाल देनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कूटी हुई अदरक लहसुन का बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे फ्लेवर आता है। तो पेस्ट वगैरह का यूज अगर करना चाहते हो तो पेस्ट भी डाल सकते हो आप, तो लेकिन कूटी हुई अदरक लहसुन का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फ्लेवर है जो रहता है। तो देखिए दोस्तों, प्याज और अदरक लहसुन हमारे भुन चुके हैं, कलर देखिए आप ब्राउन आ चुका है। तो इस टाइम पे गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, और इसमें टमाटर है जो टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देना है। तो इसके दोस्तों, यहाँ पे टमाटर को गलाना बहुत जरूरी है, उसी से ग्रेवी हमारी है जो बढ़िया बनेगी। तो इस टाइम पे थोड़ा सा हम जो टमाटर प्याज और अदरक लहसुन को गलाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नमक डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, नमक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप रेडीमेड लस्सी का यूज कर रहे हो मतलब मार्केट वाली, तो उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो थोड़ा नमक कम डालिएगा आप पहले। तो इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, लगभग हमारे टमाटर प्याज और अदरक लहसुन बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे पक चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो अभी इसमें बारी आती है मसाले डालने की। तो मसाले के अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, और उसी के साथ 1/2 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी इसमें ऐड की है, और लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने यूज किया है धनिया पाउडर, तो थोड़ा सा नमक इसमें मैंने और डाला है। तो नमक आप चाहो तो थोड़ा कम रखिएगा, नमक का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो मसालों को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, मसाले जले ना इसलिए, तो हल्का सा इसमें पानी हम देंगे। तो थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले अच्छे से जुड़ जाएं, ग्रेवी जुड़ जाए, और मसाले जो बढ़िया से यहाँ पे पक जाएं, मसाले जले ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगातार इस तरीके से मसाले को बढ़िया से भून लेना है 1-2 मिनट के लिए अच्छे से।
तो लगातार चलाते हुए मसाले को भूनना है। वैसे तो क्योंकि टमाटर प्याज हमने बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे पकाए हैं तो मसाले कच्चे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखिए मसाले डालते ही इसमें तेल छोड़ना शुरू हो गया, तो इस तरीके से जब तेल छोड़ने लग जाए तो इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था जो लस्सी और बेसन का, वो भी ऐड कर देना है। तो देखिए दोस्तों अभी ये काफ़ी आपको थिक लग रहा होगा, लेकिन हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि बेसन को हमने पकाना है दोस्तों। बेसन को पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, अगर पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और बेसन हमारा है जो कच्चा रह जाएगा। तो इसमें लगभग मतलब 1 से 1.5 कप मैं यहाँ पे पानी डालूंगा, लगभग 200 ml के करीब, लगभग 200 ml से 200 से 250 ml मैंने यहाँ पे पानी इसमें डाला है। तो पानी डालने से क्या होगा, क्योंकि बेसन को पकने में दोस्तों 5 से 7 मिनट तक 10 मिनट तक लग जाते हैं, तो 10 मिनट तक हम जब इसको पकाएंगे तो हमें थोड़ा सा पानी तो चाहिए, वरना क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो लगभग इसको थिक होने तक ये देखिए उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद इस तरीके से एक स्पैचुला लेना है और इसको लगातार लगभग 10 मिनट तक मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको यहाँ पे हम पकाते रहेंगे। तो लगातार इस तरीके से पकाते रहना है दोस्तों। हल्का सा गैस को मतलब बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना, बहुत ज़्यादा मतलब स्लो ही गैस को रखना है, हल्का सा स्लो गैस पे धीरे धीरे बेसन जो पकेगा उससे क्या होगा कि जो कड़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बहुत जल्दी पानी जल जाएगा और बेसन प्रॉपर तरीके से पकेगा ही नहीं। तो इसको थिक होने तक दोस्तों अच्छे से हम पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हल्का सा थिक होना शुरू हो गया, हल्का सा आपको ऑयल भी दिख रहा होगा। तो ये देखिए तो लगभग ये अभी पक चुका है, 1-2 मिनट अभी इसको और पकाएंगे ताकि ये बढ़िया से पक जाए, थोड़ा सा थिक और करना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से लगातार चलाते जरूर रहना है दोस्तों, रोकना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको और बताने वाला हूँ, अगर आपने दही का यूज करना है दोस्तों इसके अंदर, तो दही को अच्छे से फेंट कर उसमें मसाले मतलब डाल के आपने यूज करना है, दही को डायरेक्ट नहीं डालना वरना दही है जो फट जाती है। और लगातार चलाते तो रहना ही है क्योंकि दही को अगर हम चलाएंगे नहीं तो वो भी फट जाती है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों अभी ये काफ़ी थिक हो चुका है, अभी आपको पतला लग रहा होगा लेकिन ये ठंडा होने के बाद बेसन क्या होगा कि जो पानी है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और ये काफ़ी मतलब थिक हो जाता है। तो ये देखिए अभी मतलब रेडी हो चुके हैं और अभी बारी आती है पकौड़े ऐड करने की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 पीस मैंने पकौड़े का यूज किया, पकौड़े मेरे पास पहले से बने हुए पड़े हुए थे तो वही मैंने यूज कर लिए हैं इसमें। अगर आपको पकौड़े बनाने की रेसिपी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई भी है पकौड़ों के ऊपर। पकौड़े अगर आपने देखने हैं तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, क्योंकि पकौड़े का मैंने 3-4 बार यहाँ पर आपको बता दिया है, तो इसलिए मैं पकोड़े यहाँ पे बने बनाए ही यूज कर रहा हूँ। तो पकोड़े डालने दोस्तों एंड में, पकोड़े डालने के बाद यहाँ पे कड़ी को हम 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल तेल छोड़ना शुरू हो गया, तो एंड में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए दोस्तों टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा 2 से 3 छोटे चम्मच यहाँ पे देसी घी के दोस्तों, देसी घी से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया से भी अच्छा एक फ्लेवर आएगा, देसी घी और हरे धनिया का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, और अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑथेंटिक ढाबे वाली जो कड़ी पकौड़ा की रेसिपी है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमारी रेसिपी बढ़िया से बन चुकी है। अब इसको रोटी या चावल के साथ या पराठे के साथ या नान वगैरह किसी के साथ भी खा सकते हो, अमेजिंग टेस्ट आता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों टेक्सचर चेक करिए, लग रहा है ना बिल्कुल बढ़िया वाला, तो बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे लिपटी हुई है ये पकौड़े के साथ, तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। इसको बना के जरूर देखिएगा, अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए भाई मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, थैंक यू सो मच।